निकला है सौ परछाइयां, आँखों ने यादें बरसाई है। रंजिशों में जिया किया, यारों मुझे ले चलो तुम वहां, हो जहां हर खुशी दोस्ती प्यार दी, हो जहां जिंदगी हर नफस में बसी, ले चलो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, Yes, yes, let's go. Papa, Papa, what a surprise. हाँ हाँ, आप आ गए? आप पूरे 8 साल बाद आए हो। अब तो आ गया हूँ ना, अब तुम खेलकर जल्दी से घर आ जाना, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। जी पापा, मैं अभी आया। तुम्हारे पापा 1 साल बाद घर आए हैं? हाँ, वो फौजी है ना, देश सेवा में डटे रहते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत सी बातें करनी है। क्या है ये देश सेवा,
कि घर भी ना आने को मिले। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप? हाँ मैं। ये क्या कह रहे थे तुम कि क्या होती है देश सेवा? ये आजादी हमें बहुत बलिदानों से मिली है, ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं, तो तुम देखना नहीं चाहोगे कि कैसे? क्यों नहीं नेताजी, मैं इसे अवश्य देखूंगा और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करूंगा। भवानी के वीरों उठा लो भुजा को, सत्याग्नी को मस्तक सजा लो, स्वाहा हो शत्रु प्रचंड बचा दो। अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? अंजाम चाहे जो भी हो, हम झांसी उनके हवाले नहीं होने देंगे। महारानी, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम तो यहाँ अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वहाँ सीमा पर रक्षा करते हुए फौजियों के दिन कैसे कटते हैं? और आज जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं, ये वही फौजी हैं। यदि ये अपना सुख चैन त्याग कर सरहद पर ना डटे रहें तो हमारी रक्षा कौन करेगा? जरा सोचो, क्या तुम इस तरह से चैन की सांस ले पाओगे?
आप सही कह रहे हैं नेताजी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूंगा, उनका सम्मान करूंगा। यह आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना, लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना। नहीं नहीं, एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं है, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं है। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज के युवाओं से जरूर करना, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना। कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। जय हिंद। नेताजी ने मुझे सही राह दिखाई, सच में फौजियों का समर्पण वंदनीय है, मुझे भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। अब ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा, ये क्या किया तुमने? लाल बहादुर शास्त्री जी, आप? हाँ मैं। ये भोजन तुमने क्यों फेंक दिया बेटा? जानते हो ये किसान की मेहनत का अपमान है, जब किसान उगाता है तभी तो देश खाता है। जब एक सैनिक सीमा पर सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा होता है तो किसान भी एक सैनिक की तरह कई विषम परिस्थितियों से लड़कर अनाज उगा रहा होता है, तो क्या उस अनाज को हमें ऐसे बर्बाद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि किसान का कितना बड़ा योगदान है राष्ट्र के निर्माण में। आओ देखते हैं।
जरूर एक तकनी दे नाल गर दिल चूर है हाय तेरा भी कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकनी दे नाल गर दिल चूर उत्त नैण वाले तीर चलावे हनखरे दिखावे बड़ा तड़फावे हेलो, कहाँ जा रहे हो? ओ, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई का टाइम जो हुआ है। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत पढ़ाई और देशभक्ति छाई हुई है। चलो मेरे साथ थोड़ा घूम कर आते हैं। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बास बास अरु मिसरी एक ही भाव बिकाए। अरे बापू आप? हाँ बच्चे मैं। लेकिन आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये कि जैसी संगत करोगे, जिसका अनुसरण करोगे, वैसे ही तुम बनोगे। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ चले, जरा रुको। हाँ मोहित रुको ना, सुनो ना बापू क्या कह रहे हैं। आओ मेरे साथ। एक समय की बात है, जंगल में एक भयानक डाकू रहता था, जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या करता था और उनकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता था, और इसीलिए
उसका नाम अंगुली माल पड़ गया। जानते हो छप्पन, देश की सारी समस्याओं का हल किसके पास है? नहीं, अरे दिमाग तो लगाओ। ओह, मैं तो भूल ही गया, तेरे पास दिमाग होता तो तू मेरे जैसा ना होता। नहीं जानता, अब तुम ही बता दो। किसान के पास सारी समस्याओं का हल है क्योंकि उनके पास हल है। अरे तू नहीं सुधरेगा। उधर देखो, सरदार आ रहे हैं। सरदार, सरदार, उधर देखो, एक मोटा बकरा आ रहा है। अरे वाह बकरा, आज तो दावत पक्की। खामोश बुक्कड़, तुझे तो बस खाने की लगी रहती है। बकरा नहीं, मोटा सेठ आ रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है उसके पास बहुत माल है। सेठ जी, मुझे पैसों की आवश्यकता है। चुप चुप, देखो पैसा पैसा पैसा। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पैसे कमाने के लिए मेरे जैसी मेहनत करनी पड़ती है। पर वो अभी तो दिए थे पैसे, क्या किया तूने उसका? सेठ जी, पर वो तो आपने पिछले साल दिए थे। हाँ हाँ, दिए तो थे, फिर क्यों मांग रहा है? सेठ जी, ऐसे कैसे चलेगा, घर जाते ही मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। अरे भोले, तू रूठ जाता है बातों बातों में। वो देखो तो जरा, शायद मूंगफली पड़ी है, जाओ और उसे ले आओ। ये लो सेठ जी। ये लो भोले, तुम भी खाओ, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे। क्या सेठ जी, ये भी कोई मजे हैं? अरे बाप रे डाकू। अरे भोले रुक जा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? मैं तो भागा सेठ जी, तुम अपनी जानो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालो, इसके बाद मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी उंगली अपनी माला में पहनूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मारना नहीं। मारूंगा नहीं तो मेरा 1000 उंगली का प्रण कैसे पूरा होगा? अरे मर गया रे। वाह, 999, बस एक और बाकी है। और इसी तरह अंगुली माल एक के बाद एक लोगों की हत्याएं करता जाता था और उनकी उंगलियां अपने माला में पहनता जाता था। और उसे अब इंतजार था उसके आखिरी शिकार का, 1000वीं उंगली। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? जंगल भ्रमण पर जा रहा हूँ बालक। आप वहाँ मत जाइए, उस जंगल में भयानक डाकू अंगुली माल रहता है। भयानक डाकू? आज मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा और तुम्हारी उंगली को अपनी माला में पहनूंगा। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? आज मेरी 1000 उंगलियों की माला का प्रण पूरा होगा। अच्छा तो जाओ, सामने वाले पेड़ से एक टहनी तोड़ लाओ।
ये लो। अब इसको जाकर वापस उस पेड़ में लगा दो। ये कैसा मजाक है, ये तो टूट चुकी है, मर चुकी है, अब ये पेड़ में वापस कैसे जुड़ सकती है? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम क्यों करते हो? जब तुम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेते क्यों? यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि जीवन में कुछ अर्जित करना है तो वो प्रेम, दया, शांति, ना कि लालच, नफरत और अहिंसा। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझसे क्षमा मांग कर कुछ नहीं होगा, जिनका तुमने अहित किया है, जाओ अपना जीवन उनकी सेवा में लगाओ, शांति का मार्ग अपनाओ। तो देखा आप सभी ने, ऐसा है अपना प्यारा देश भारत। यहाँ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संस्कारों की कितनी अहम भूमिका है। I'm not afraid.
मैं अच्छा ही पढ़ने लगा हूँ और सारी अच्छी बातें भी सीख चुका हूँ। अब तो मैं आराम कर सकता हूँ। लेकिन कल तो तुम्हारा मैच है, तुम प्रैक्टिस ले नहीं जाओगे क्या? मैं अपनी प्रैक्टिस पहले ही कर चुका हूँ और वैसे भी जीतूंगा तो मैं ही, जानते हो क्यों? अच्छा बताओ। क्योंकि टीम में बाकी सभी फ्रेंड्स मुझे सिखाने को कह रहे थे पर मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया। अब बचा कौन? अब अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा ना। स्वामी विवेकानंद जी आप? हाँ मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। तुम महान व्यक्तियों का अनुसरण कर उत्कृष्ट मार्ग पर चलने लगे हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें इस तरह बैठना नहीं है, हमें तब तक कार्य करना है जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जी स्वामी जी, अब मैं समझ गया। अब मैं इस अहंकार में कभी नहीं बैठूंगा कि मुझे सब आ गया। मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा। क्या बात है मेरे बच्चे, शाबाश। एक बात हो, तुम क्या कह रहे थे कि तुम अवार्ड इसलिए ले सकोगे क्योंकि तुम सबसे अच्छा खेलते हो और तुमने अपने दोस्तों की मदद नहीं की है उन्हें सीखने में। लेकिन ये तो सोचो कि यदि तुम्हारी टीम हारेगी तो तुम विजेता कैसे बनोगे? हमेशा याद रखो कि जीवन का आनंद एकजुटता में है, स्वार्थी बनने में नहीं। जी स्वामी जी। और उन सभी महान विभूतियों का भी अनुसरण करो जिन्होंने इसी टीम स्पिरिट से देश का नाम ऊंचा किया। जी स्वामी जी। गोपबालन वन्न वीडे अन्नोरी केल्लोरु गोपबालन वन्न वीडे अन्नोरी केल्ल पेण्णेल्ला
हमेशा याद रखो, दया, सेवा, करुणा ये ऐसे गुण हैं जो यदि मानव में नहीं तो ईश्वर की बनाई सुंदर सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। जी मदर, मैं समझ गया। वाह, मुझे महान पुरुषों का अनुसरण कर कितना कुछ सीखने को मिला। जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है और राष्ट्र सर्वोपरि है। हमेशा याद रखो, हम तभी तक हैं जब तक देश सुरक्षित और समृद्ध है। देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। वो देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। और देश तभी समृद्ध होगा जब हम अपनी कला, साहित्य, विविध संस्कृतियों को सहेज कर रखेंगे, तभी तो अखंड भारत रहेगा। आई ओ मच टू मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज हु इग्नाइटेड माय वे। दे ओपन बिफोर मी द ट्रेजरी ऑफ नोबल वैल्यूज एंड गाइडेड मी टू रिकॉग्नाइज देयर वर्थ, मोटिवेटेड मी टू इम्बाइब दोस वैल्यूज इनटू माय लाइफ। आई एम ग्लैड, कंटेंटेड, ग्रेटफुल to place my foot on the footsteps of those ignited lives, and in turn I too will leave a footprint to walk upon for those who come after me. Mera desh is duniya ka sabse khoobsurat desh hai, jahan ki sanskritik virasat bahut anmol hai. Itni vibhinnataon ke bavajood bhi log pyar aur bhai chare ke sath rehte hain. Main us desh ka vasi hu जहाँ मैं आजादी के साथ कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश के लिए योगदान दे सकता हूँ। आइए मैं आपको मेरे देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर ले जाता हूँ, जहाँ अनेकता में भी एकता के साथ रहना जानते हैं। मेरा भारत देश संस्कृतियों का महोत्सव है, जहाँ हम
विभिन्नताओं को मनाते हैं, आइए हम मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव। Thank you.
लाल रंग जाल